Student, today we are going to start the ratio analysis in which we are going to do the combined ratios, composite ratio. मतलब उसके अंदर एक अमाउंट हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट से होगा तो एक अमाउंट हमारा बैलेंस शीट से होगा. जैसे कि हमने ऑलरेडी 12 रेशोज कंप्लीट कर दिए हैं. फर्स्ट क्लिप में हमने बैलेंस शीट रेशो किए थे, दैट वाज 6 रेशोज. उसके बाद हम लोगों ने इनकम स्टेटमेंट रेशो किए, दैट वाज आल्सो द 6 रेशोज. मतलब 6 प्लस 6 कितने हो गया, 12 रेशोज. अब बचे हुए टोटल 9 रेशोज जो है तुम्हारा बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट दोनों को मिला के है. इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंबाइंड रेशो. तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल बना कर रखा हुआ है, मैं इसको रीड करता हूँ. लेकिन रीड करने के पहले कुछ चीज़ें जो बेसिक चीज़ है जो हम लोग ने 11th या 12th में किया था उसे ही वापस से यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि जब मैं फार्मूला लिखूँ तो आपको फार्मूला याद करने में डिफ़िकल्टी ना आए. जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप देखो तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर जो कैपिटल कलेक्ट होता है वो मार्केट से होता है. तो सबसे पहले जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या करता है, मार्केट में इक्विटी शेयर इशू करता है. इक्विटी शेयर कैपिटल मीन्स कंपनी कलेक्ट्स द कैपिटल फ्रॉम द मार्केट इन फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स, देयर आफ्टर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और उसके बाद भी अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो कंपनी कैन इशू द डिबेंचर. ए डिबेंचर लोन ट्रब, इस तरह से कंपनी तीन जगह से फंड क्रिएट करती है. और इस तरह से देखा जाए तो हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर है. ये इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी क्या करती है, फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड देती है जो सबसे लास्ट में होगा. प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है और डिबेंचर होल्डर को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है. ये इंटरेस्ट जो होता है वो बिफोर टैक्स लेना पड़ता है, मतलब टैक्स आप माइनस करो उसके पहले आपको इंटरेस्ट दे देना पड़ता है. उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसके ऊपर हम लोग टैक्स कैलकुलेट करते हैं. इसका मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है. फिर टैक्स माइनस करके जो प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड और इक्विटी डिविडेंड देते हैं. इसका मतलब देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे करते हैं. ये दे देने के बाद हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स दे देते हैं, मतलब इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसमें से हम लोग टैक्स भरते हैं. टैक्स देने के बाद हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हैं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हैं. तो इस तरह से हमारा प्रोसीजर होता है. तो अगर मैं देखूँ, अगर क्लियर करना है आप लोगों को ये कंसेप्ट, तो एग्जाम्पल के लिए समझो मेरे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है. जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख लिया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2 लाख रुपीज. ठीक है, तो सबसे पहले मैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या इंटरेस्ट ऑन लोन लूंगा. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एग्जाम्पल के लिए 40,000 है, क्या आ गया आपका 1,60,000. ठीक है, अब टैक्स आएगा, गवर्नमेंट को टैक्स देना है तो 1,60,000 के ऊपर टैक्स निकलेगा. अगर परसेंटेज दिया है तो परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे 1,60,000 के ऊपर, और अमाउंट दिया है तो अमाउंट लिखेंगे. समझो एग्जांपल के लिए 50% है टैक्स तो कितना आ जाएगा, 80,000. तो 80,000 जो आया उसे हम तो बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. अब इसमें से मैं सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड दूंगा, प्रेफरेंस डिविडेंड. एग्जाम्पल के लिए प्रेफरेंस डिविडेंड 30,000 है. अब जो है 50,000 बचा, इसको बोलते हैं हम लोग अमाउंट अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर. तो ये हो गया हमारा एक प्रोसीजर कि प्रॉफिट को किस तरह से हम लोग बाइफरकेट करते हैं इंटरेस्ट टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड में. तो सबसे पहले इंटरेस्ट आया, फिर टैक्स आया, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड आया. ये आज हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और डिबेंचर्स है. अगर आप इन तीनों को ऐड करो तो तीनों को ऐड करके जो अमाउंट मिलता है
उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल इम्प्लॉयड। समझो उसके अंदर हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर का पार्ट, रिजर्व सरप्लस और फिक्टिशियस असेट्स भी ले लेते हैं। तो एक पूरा से पूरा एक फॉर्मेट तैयार हो जाता है, शेयर होल्डर्स फंड, जिसके अंदर इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिजर्व सरप्लस माइनस फिक्टिशियस असेट्स होता है। और उसके बाद में अगर आप देखो तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, बोरोड फंड में डिबेंचर्स हो गया है, लोन होता है। तो शेयर होल्डर्स फंड और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, इन दोनों को ऐड करते तो हमको मिलता है कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट फंड एम्प्लॉयड। तो आप नेट फंड एम्प्लॉयड के नज़र से देखें तो एक टोटल कैपिटल है, टोटल फंड है। तो टोटल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो कंपनी को जो भी प्रॉफिट हुआ है, टोटल प्रॉफिट 2 लाख, वो क्या हो गया, अमाउंट अवेलेबल फॉर द कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, ये हो गया आपका प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट विच आर अवेलेबल टू ऑल इन्वेस्टर्स। उसी तरह से अगर मैंने एग्जांपल के लिए डिबेंचर को, उसका डिबेंचर होल्डर को उसका इंटरेस्ट दे दिया और टैक्स दे दिया गवर्नमेंट को, तो जो प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेकिन बिफोर प्रेफरेंस डिविडेंड, तो जो अमाउंट प्रॉफिट का बचा है वो किसको अवेलेबल हुआ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर को। तो इसका मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर प्रेफरेंस डिविडेंड का जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अवेलेबल, जिसको बोलते हैं हम लोग शेयर होल्डर को अवेलेबल है। और एक बार मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उसका प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया, तो इसका मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट मिला, मतलब प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर टैक्स, आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड, तो जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो किसको है, इक्विटी शेयर होल्डर को। तब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है दैट इज रिलेटेड टू कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, ये जो प्रॉफिट अवेलेबल है दैट इज रिलेटेड टू शेयर होल्डर्स फंड, जिसके अंदर इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर दोनों आते हैं। ठीक है, और उसके बाद में अगर आप देखो ये जो प्रॉफिट अवेलेबल है खाली किसको अवेलेबल, इक्विटी शेयर होल्डर को अवेलेबल है। तो यहां पर हम लोगों ने थोड़ा सा प्रॉफिट के बारे में डिस्कस किया। अब हम लोग कंबाइंड रेशो पे आते हैं। तो कंबाइंड रेशो में जो सबसे पहला रेशो है जिसको बोलते हैं रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फंड रेशो, रिटर्न्स ऑन टोटल रिसोर्सेस रेशो। अब रिटर्न्स का मतलब होता है कि इनकम ऑन योर इन्वेस्टमेंट, व्हाट द इन्वेस्टर एक्सपेक्ट रिटर्न्स ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, तो रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड पर रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं तो होगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर उसके बाद दूसरा जो फॉर्मूला आता है कंबाइंड रेशो में वो होता है रिटर्न्स ऑन शेयर होल्डर्स फंड या रिटर्न्स ऑन प्रोप्राइटर्स फंड। तो प्रोप्राइटर्स फंड में इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर आते हैं। तो व्हाट दे एक्सपेक्ट, दे एक्सपेक्ट द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मीन्स आफ्टर मेकिंग द पेमेंट टू द डिबेंचर होल्डर एंड टू द गवर्नमेंट इन फॉर्म ऑफ टैक्स। इसका मतलब रिटर्न्स ऑन प्रोप्राइटर्स फंड बिलोंग टू द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला आता है कंबाइंड रेशियो में रिटर्न्स ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके अंदर आप देखो तो प्रॉफिट, दिस प्रॉफिट इज बिलोंग्स टू द इक्विटी शेयर होल्डर, मीन्स प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर टैक्स, आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डिविडेंड। तो इस तरह से तीन जो रेशो मैंने अभी एक्सप्लेन किया लाइन से, रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न्स ऑन प्रोप्राइटर्स फंड और रिटर्न्स ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके फॉर्मूला अब आपको बनाने आ जाएंगे और उसे आपको कैलकुलेट करने आ जाएंगे। उसी तरह बाकी के 9 में से 3 एक्सप्लेन हो गए, उसी तरह से बाकी के जो 6 रेशो से धीरे धीरे हम लोग करते जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने बनाया हुआ है, उस एग्जाम्पल को हमको सॉल्व करना है। आप लोग भी ध्यान से देखें, हो सके तो अपने नोटबुक के अंदर पहले इस सम को कॉपी कर ले और उसके बाद में मेरे साथ में आप लोग इस सम को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है डेटर्स 80,000 अभी का है,
लास्ट ईयर का डेटर्स था 30,000, मतलब दिस ईयर वो क्या हो जाएगा, ओपनिंग डेटर्स। सेल्स है 3 लाख, जिसमें से कैश सेल्स है 25,000, मतलब 2,75,000 हो जाएगा क्रेडिट सेल्स। परचेस है 1,50,000, 10,000 इक्विटी शेयर प्राइस 10 इच 10,000, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 10 इच क्या है, फेस वैल्यू हो गया 6%, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50,000, 6% है आपका रेट ऑफ द प्रेफरेंस डिविडेंड, रिजर्व एंड सरप्लस 20,000 है, 9% डिबेंचर 30,000, 9% हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। क्रेडिटर्स है 20,000, लास्ट ईयर का 15,000 है जो करंट ईयर का ओपनिंग क्रेडिटर्स हो जाएगा। बिल्स पेबल है 12,000, लास्ट ईयर का 10,000 था, ओपनिंग बिल्स पेबल हो जाएगा 10,000। उसी तरह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 80,000, टैक्स रेट है 40%, प्रपोज डिविडेंड 20%, प्रपोज डिविडेंड मतलब इक्विटी डिविडेंड होता है, और मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर दिया है 1,25,000। तो ये आपका पूरा है, इसके अंदर मुझे कंबाइंड रेशो करना है। तो कंबाइंड रेशो करने के पहले हम लोग एक थोड़ा सा वर्किंग नोट कर लेंगे, जिसके अंदर इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फंड और साथ साथ में कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सब उसके अंदर डिस्कस कर लेंगे। अभी सम के हिसाब से अगर आप देखो तो हमारे पास सबसे पहला शेयर होल्डर्स फंड क्या है। शेयर होल्डर्स फंड को प्रोप्राइटर्स फंड भी बोलते हैं, नेट वर्थ भी बोलते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल है 1 लाख, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 50,000। तो इस तरह से 1,50,000 हो गया, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस है, रिजर्व एंड सरप्लस 20,000 है। यहाँ पर इस समय फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है, तो लेस फिक्टिशियस एसेट्स हो जाता, तो 1,70,000 हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर्स फंड। उसके बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में 9% डिबेंचर दिया हुआ है 30,000, तो 2 लाख हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। नंबर 3 नेट फंड एम्प्लॉयड 1 + 2, ठीक है ना। तो एक वर्किंग नोट मैंने कर दिया, और एक वर्किंग नोट कर देता हूँ नेट प्रॉफिट का। हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है 80,000, लेस इंटरेस्ट, सबसे पहला आएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। यहां पर 30,000 का 9%, तो 9% ऑफ 30,000, तो 30,000 का 9% होता है 2,700, तो माइनस कर दिया 80,000 में से, तो 77,300 हो गया। ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब ये जो प्रॉफिट था बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट था, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हम लोग टैक्स माइनस करेंगे, टैक्स दिया हुआ है 40%, 30,920। अब इसमें से माइनस कर देंगे 46,300, ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देता हूँ, तो प्रेफरेंस डिविडेंड है 6%, 50,000 का 6%, 50,000 का 6% 3,000 हो गया। इसमें से माइनस कर दो 46,380 में से, तो आंसर आ गया 43,380। ये जो हो गया वो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो इस तरह से आपका यहाँ पर एक वर्किंग नोट तैयार हो गया। तो कंबाइंड रेशियो में सबसे पहला कंबाइंड रेशियो आता है रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो।
is called the return on total resources. The formula is the net profit before interest and tax upon capital employed into 100. तो अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था कि कैपिटल एम्प्लॉयड ये क्या होता है, टोटल, जिसके अंदर इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर आ जाते हैं. तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दैट बिलोंग्स टू द कैपिटल एम्प्लॉयड. तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है बराबर 80,000, कैपिटल एम्प्लॉयड आया हुआ था 2 लाख इंटू 100. तो इसका मतलब 80,000 डिवाइड बाय 2 लाख परसेंट 40% है. ये 40% आ गया आपका रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. अब यहाँ पे हम लोग जब कमेंट्स की बात करते हैं तो रिटर्न्स ऑलवेज एवरी इन्वेस्टर एक्सपेक्ट मोर ऑन देयर इन्वेस्टमेंट. तो 40% अगर देखा जाए तो अच्छा लग रहा है कि ऐसा 100 रुपीज़ अगर सब लोगों ने दिया है तो उसमें से उनको रिटर्न्स 40% मिल रहा है. तो इट मीन्स कंपनी इज यूटिलाइजिंग द कैपिटल फंड इन प्रॉपर वे. फंड यूज बाय द कंपनी इन द बेटर इन प्रॉपर प्लेस. और अगर देखा जाए कि अगर समझो 5% 10% या 15% आता है दैट इज़ क्वाइट अनफेवरेबल. तो इसलिए इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, जितना हायर रेशो आता है उतना वो फेवरेबल होगा. तो 40% यहाँ पर फेवरेबल है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द कंपनी. अब हम लोग नेक्स्ट रेशो पे आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड. तो रिटर्न्स ऑन प्रोप्राइटर्स फंड रेशो, उसका फॉर्मूला है ये सभी यहाँ पर टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट आता है दैट प्रॉफिट बिलोंग्स टू द प्रोप्राइटर्स फंड. तो फॉर्मूला क्या होगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेकिन बिफोर अ प्रेफरेंस डिविडेंड, बिफोर अ प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन प्रोप्राइटर्स फंड इनटू 100. ठीक है, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से टैक्स और इंटरेस्ट माइनस करने के बाद आया था 46,380 अपॉन प्रोप्राइटर्स फंड है 1,70,000 इंटू 100. तो 46,380 डिवाइड बाय 1,70,000 परसेंट तो हो गया 27.28%. मतलब अगर प्रोप्राइटर्स मतलब शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर ने पैसे लगाए हैं 100 रुपीज़ तो दे आर गेटिंग ऑन देयर इन्वेस्टमेंट 27 रुपीज़, नियर अबाउट 28 रुपीज़. तो इसमें भी क्या है कि देर इज नो फिक्स स्टैंडर्ड, हायर रेशो इज फेवरेबल. हायर रेशो इंडिकेट्स दैट कंपनी यूटिलाइजिंग द शेयर होल्डर्स फंड इन बेटर वे, प्रॉपर यूज ऑफ द शेयर होल्डर्स फंड बाय द कंपनी. मोर रिटर्न्स मीन्स मोर प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. अगर वही लेस रिटर्न्स हो गया तो इन फ्यूचर में कोई भी इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी बिकॉज दे ऑलवेज कंपेयर द देयर रिटर्न्स विद देयर अदर कंपनीज. तो हो गया आपका रिटर्न्स ऑन प्रोप्राइटर्स फंड. उसके बाद थर्ड है रिटर्न्स ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल रेशो. रिटर्न्स ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल रेशो, तो अभी ए वाला प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100. ठीक है, तो अगर आप देखो तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये था, उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया तो आ गया 43,380. पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है 1 लाख तो डिवाइड बाय 1 लाख इंटू
100. So 43,380 upon 1 lakh percentage. So 43.38%. इसका मतलब अगर कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर ने 100 रुपीस लगाया है तो उसको रिटर्न्स मिल रहा है 43 रुपीस, तो अच्छा है. तो हायर रेशियो इज एक्सेप्टेबल, इट इज फेवरेबल. देयर इज नो फिक्स्ड स्टैंडर्ड इन द मार्केट. ऑलवेज इन्वेस्टर कंपेयर विद द अदर कंपनी. हायर रेशियो इंडिकेट्स दैट मोर रिटर्न्स ऑन द इक्विटी शेयर कैपिटल. तो इस तरह से हम लोगों ने तीन रेशो कंबाइन में से पूरा किया. नेक्स्ट क्लिप में मैं बाकी के बचे हुए 6 रेशोज करूँगा. इसी सम को हम लोग कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लिप. हैव ए नाइस डे फ्रॉम द राकेश सर.